subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार पुनः अनिमेश क्लासेस बाका के YouTube चैनल पे। आज हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम देखते हैं कि जो आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह ज्योग्राफी से संबंधित है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह कौन सा है? तो सबसे पहला है क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं, अर्थात किस ग्रह की जो है चंद्रमा की तरह जो है वो होती है। तो कौन सी? पहला है ऑप्शन मंगल है, बुध है, शनि है, बुध है, बृहस्पति है। तो चंद्रमा की तरह जिसकी कलाएँ होती है वह सिर्फ एक ग्रह है, वो बुध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, अर्थात सूर्य के नज़दीक कोई भी ग्रह है उसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह जो है एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। तो सबसे ये दूरी हो गया और ये नज़दीक, अगर इस जगह ग्रह यहाँ है तो ये सबसे अधिक दूरी, और इस जगह है तो सूर्य के सबसे निकट की दूरी। अगर दूर होगा तो उसे हम कहते हैं अपसौर कहते हैं, सूर्य से दूर स्थित जो ग्रह है उसे अपसौर, और जो नज़दीक है अपने पथ पर जो नज़दीक है सूर्य से उसे हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, उसे उपसौर कहते हैं, क्योंकि न्यूनतम दूरी, अगर वही अधिकतम दूरी बोलता तो फिर क्या होता, अपसौर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादन जो है वो किन्होंने किया था, केपलर महोदय ने ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता है वह कौन है, वह है बेसेल है, बेसेल जो है भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, पहला है ऑप्शन हेरोडोटस है, हिकेटियस है, हिपार्कस है, इरेटो अस्तनीज है। तो सबसे पहले जो ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था वह कौन है, इरेटो अस्तनीज ने, इरेटो अस्तनीज ने ही सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है, वान झील सबसे अधिक खारे पानी की झील है, इसमें जो है खारापन की मात्रा जो है वह 330% है, जो कि कहाँ स्थित है, वह तुर्की में स्थित है। ठीक है, वान झील कहाँ है, तुर्की में, और सबसे खारे जल की झील जो है वह वान झील ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, एंजल जलप्रपात जो है वह किस नदी पर, कोरोनो नदी पर है। ठीक है, एंजल जलप्रपात है कहाँ, वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। ठीक है, जो कि कहाँ है, साउथ अमेरिका में, अर्थात दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक जो है लंबी ऊंची जो है जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरल सागर झील किस देश में स्थित है, अरल सागर जो झील स्थित है वो कौन है, चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, जापान है। तो अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक है, अरल सागर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में अरल को कहा जाता है द्वीपों का झील कहा जाता है, द्वीपों की झील कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्वीपों की झील अरल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका जो सही आंसर क्या हुआ, अरल सागर का कजाकिस्तान हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है, इस झील की आकृति जो होगी वह उंगली के आकार की आकृति होगी, इस तरह की आकृति होगी, तो इस तरह की आकृति जो है वह कहाँ है, वह यूएसए में स्थित है, यूएसए में
अंगुली जैसी आकृति स्थित है। यूएसए के न्यूयॉर्क के पास जो है यह, न्यूयॉर्क ठीक है। अंगुली नुमा झील जो है वो कहाँ है, यूएसए में, यूएसए में कहाँ, न्यूयॉर्क में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात जो है वह कहाँ है, ऑन्टेरियो में है जो कि कहाँ है, यूएसए कनाडा में है, यूएसए कनाडा, कनाडा में है ठीक है, कनाडा के ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है, अर्थात सबसे सूखा स्थल। सारे मरुस्थल हैं, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल, पेंटागोनिया, सारे शुष्क हैं, लेकिन सबसे अधिक जो शुष्क मरुस्थल है वह कौन सा है, अटकामा है ठीक है, जो कि कहाँ है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है ठीक है। और इसका विस्तार जो है एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में, पश्चिम में प्रशांत तट के लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत, अर्थात वायुमंडल जो है 5 परतों में बटी हुई है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, ओजोन मंडल है, बहिर्मंडल है। 5 मंडल में सबसे जो निचली परत है वह कौन सी परत है, वह है क्षोभ मंडल है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वायुदाब पाया जाता है, नॉर्मल जो वायुदाब पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में, पर्वतों पर, सागर तल पर, या इनमें से कोई नहीं। वायुदाब जो सबसे सामान्य रहता है वह सागर तल में रहता है, पर्वतों पर वायुदाब जो है कम हो जाता है, रेगिस्तान में जो है इसमें भी कम होता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है वह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व, जैसे कि चावल हम बनाते हैं कुकर में तो उसमें प्रेशर से जो है जब गैस बनती है तो सीटी के द्वारा जो है उसमें आंतरिक जो तापमान जब बढ़ जाता है तो सीटी के द्वारा बाहर निकलते हैं, उसी तरह जब पृथ्वी की आंतरिक घटनाएं में जब तापमान अधिक हो जाता है, घनत्व अधिक हो जाता है, तो वह बाहर की ओर निकलने लगता है, जिसके कारण से जो है ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तो प्रकृति का जो सुरक्षा वॉल्व है, आखिर अंदर की जो जितने भी गर्मीले पदार्थ या तापमान अधिक होना, वो हमेशा बाहर की ओर निकलते हैं, तो जिसके कारण वो किसके कारण निकलते हैं, वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो है वो कौन है, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है जलवाष्प, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। नाइट्रोजन की मात्रा ऐसे 78% है लगभग, और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है समथिंग के बराबर ठीक है। लेकिन सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो माना जाता है वह किसे माना जाता है, जलवाष्प को, जलवाष्प जो है हमेशा वायुमंडल में मौजूद रहता है, इस कारण से जलवाष्प को सर्वाधिक अस्थायी तत्व माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वह एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई जो है वह 7000 किलोमीटर लंबी है तथा इसकी चौड़ाई जो है यह 500 किलोमीटर चौड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अलास्का, अलास्का की जो लंबाई है वह 2285 किलोमीटर के बराबर है और इसकी चौड़ाई जो है वह 3639 किलोमीटर के समथिंग है। हिमालय, हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है वह कौन है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई क्या है, 8850 मीटर, कहीं कहीं 8848 मीटर भी दिया जाता है, लेकिन हमेशा ये बढ़ते रहता है जिसके कारण से अभी जो है मापी गई लंबाई जो है वह 8850 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, भारत का प्रमाणिक समय,
पहला ऑप्शन क्या है? मुंबई है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रमाणिक समय जो मापा जाता है वह 82.5 डिग्री देशांतर जो है वह इलाहाबाद के मिर्जापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर की संख्याएं कितनी होती है? देशांतर, अक्षांश और देशांतर पृथ्वी को जो है दो भागों में बांटती है, एक अक्षांश में, एक देशांतर में, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल में। तो देशांतर की संख्या जो है वह कितनी है? वह पहला ऑप्शन क्या है? 60 है, 360 है, 180 है, और चौथा क्या है? 90 है। तो इसका जो आंसर होगा देशांतर की संख्या, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी को जो ऊपर से नीचे अर्थात साउथ टू नॉर्थ जो डिवाइड करती है वह क्या है? देशांतर रेखा। इसकी जो कुल संख्या है वह कितनी है? वह है 360। 360 जो है देशांतर की संख्या है, और अक्षांश की संख्या वर्टिकल जो काटेगी इस तरह उसकी संख्या है कितना? 180। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना परसेंट मेंटल में पाया जाता है? लगभग 68% जो है मेंटल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, दो ग्रह कौन कौन है? पृथ्वी और शनि, पृथ्वी के भी ग्रह हैं चंद्रमा, शनि के भी हैं टाइटन, शुक्र और बुध, शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है, फिर बृहस्पति के भी उपग्रह हैं लेकिन बुध के नहीं है, मंगल के भी उपग्रह हैं और शनि के फोबोस डीमोस, और शनि के भी हैं टाइटन, और बहुत सारे उपग्रह हैं। तो इसका जो आंसर होगा मात्र दो ही उपग्रह हैं, दो ही ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो कौन है वो? शुक्र और बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के चारों ओर जो है 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले 9 थी, जिसको जो है प्लूटो को जो है बौने ग्रहों की सूची में रखा गया है, जिसके कारण से ग्रहों की संख्या 8 हो गई। तो सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? वरुण, वरुण ग्रह जो है सबसे दूर का ग्रह है, और अरुण और सबसे नज़दीक का ग्रह क्या है? बुध है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है? वरुण है, और सर्वाधिक नज़दीक का ग्रह जो वह कौन है? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह जिसे क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह अर्थात सूर्य के नज़दीक, जैसे सूर्य के नज़दीक सबसे पहले कौन सा ग्रह है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो आगे के चार ग्रह पार्थिव ग्रह जो है, चार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार ग्रह जो है क्या है? पार्थिव ग्रह है, और बाहर के ग्रह कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण और वरुण, ये चार ग्रह जो है वो बहिर्ग्रह है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? चार हैं। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो है जिन भाई बंधुओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और लाइक और शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता पृथ्वी है, शुक्र है, शनि है और सूर्य है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाएगा? सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह जो है क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? भूलोक जो है मतलब पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सभी जो है भूतल का अध्ययन है अर्थात पृथ्वी का ही अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? पहला क्या है? वारेनियस, दूसरा है टेलर, तीसरा है कांट, चौथा क्या है? कार्ल रिटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? कांट होगा। कांट महोदय ने ही भूलोक भूतल का अध्ययन इन्होंने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में
विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? पहला है कॉपरनिकस, दूसरा है केपलर, तीसरा है गैलीलियो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सौरमंडल का सर्वप्रथम जानकारी जो है किन्होंने दिया था? कॉपरनिकस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। सबसे बड़ी जहाज रानी नहर वह कौन सी है? स्वेज नहर। स्वेज नहर को जहाज रानी नहर भी कहा जाता है। इसका जो लंबाई है वह 165 किलोमीटर है। और यह कब बनकर तैयार हुआ था? 1869 में। और निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1854 में। किन्होंने बनाया था? फर्डिनेंड द लेपेप्स ने। इंजीनियर जो था वह कौन था? फर्डिनेंड द लेपेप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? अर्थात यहाँ जो है झीलों की संख्या बहुत ही अधिक है, हजारों से लगभग जो है 60-70 हज़ार जो है झील हैं। तो कौन से पहला क्या है ऑप्शन? फिनलैंड है, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है थाईलैंड, चौथा क्या है? भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों की भूमि कहा जाता है और थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो मौसमी परिवर्तन, अभी जस्ट बताए थे कि जो है मौसम संबंधी घटनाएं, जितनी घटनाएं घटित होती है जैसे बादल होना, वर्षा होना, फिर या फिर जितने भी तड़ित जो है उत्पन्न होना, बिजली चमकना, ये सभी जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं जो घटित होती है वह किस मंडल में? क्षोभ मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? सबसे जो ओजोन केंद्रित है वह कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? पहला है नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा, इनमें से कोई नहीं। वलित पर्वत जिसे क्या बोलते हैं? नवीन पर्वत भी कहा जाता है। तो सबसे जो वलित पर्वत है वह कौन है? हिमालय। हिमालय जो है वह वलित पर्वत है। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, पहला है किलायु, दूसरा है फ्यूजियामा, तीसरा है कोटोपैक्सी, इनमें से कोई नहीं। किलायु कहाँ है? हवाई द्वीप में है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन है? किलायु है, जो कि इधर हाल फिलहाल में जो है बहुत जो है यहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न हुए थे, जिस कारण से सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है किलायु को ही माना जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो मिलती है वह कौन है? नाइट्रोजन है, जिसकी मात्रा जो है वह कितनी है? लगभग अप्रॉक्स 78% जो है मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में? ग्रीनविच जो है यहीं से जो है सारे सभी देशों का जो है समय का जो है निर्धारण किया जाता है। तो ग्रीनविच जो है कहाँ है? वह यूके में स्थित है, ब्रिटेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की तीन संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपर से दूसरी परत, तो पहला क्या है ऊपर से? पहले है सियाल है, SIAL, सियाल, सीमा, उसके बाद नीफे। तो सबसे पहला परत हो गया सियाल, दूसरा परत सीमा, और सबसे आंतरिक परत जो कि केंद्र में स्थित है वह नीफे है। तो दूसरी परत बोला जा रहा है, तो दूसरी परत क्या हुआ? सीमा। तो सीमा को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? बेसाल्ट चट्टान जो है किस परतों में पाए जाते हैं? तो बेसाल्ट चट्टान जो है वो सीमा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र ग्रह अर्थात तेज गति से चलने वाला ग्रह, जिसकी जो है घूर्णन गति जो है और परिक्रमण गति बहुत ही कम है, तो बुध ग्रह जो कि सर्वाधिक
तेज गति से चलने वाला जो है ग्रह और सूर्य के नजदीक होने के कारण से इसकी जो दीर्घवृत्ताकार जो पथ है वह छोटी है, जिसके कारण से इसकी समय सीमा जो है कम होती है। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को जो है सूर्य दिखाई देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान का नाम क्या है? पहला है हेटनर, दूसरा है जीन ब्रूस, तीसरा है H.H. बैरोज और चौथा क्या है? इरेटो अस्थनी। तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान का नाम क्या है? H.H. बैरोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1854 में। नेक्स्ट है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? जो रेशे की आकृति जो मेघों की दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? पक्षाभ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पक्षाभ कहा जाता है। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? पक्षाभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर, पृथ्वी सबसे जो लास्ट वाली परत है वह कौन परत है? पहला क्या है? समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा क्या है? बहिर्मंडल। तो सबसे पहले जो है क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो सबसे जो लास्ट अर्थात दूर है वह कौन मंडल है? वह बहिर्मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है, धरातल पर जो तरंग होती है वह कौन सी तरंग होती है? वह जिसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस वेव भी बोला जाता है और यह एल तरंगे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस पठार स्थित है, लोयस पठार, लोयस किसे कहा जाता है? यह एक प्रकार की बारीक रेतीली मिट्टी है जो कि पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को क्या कहा जाता है? लोयस कहा जाता है। पवन द्वारा उड़ाई गई धूल एक प्रकार की होती है, या फिर बोल सकते हैं बारीक रेतीली बालू होती है। तो ये लोयस का पठार जो स्थित है वह कहाँ स्थित है? वह चीन में स्थित है। नेक्स्ट है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? पहला क्या है? परज्जार चट्टान, अग्नेय चट्टान, अजैव चट्टान और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो कोयला जो पाया जाता है वह परतदार चट्टानों में पाया जाता है, जिसे परतदार चट्टान को क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान भी कहा जाता है, अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या, अभी बताएं अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 180, अक्षांश की संख्या 180 और देशांतर की संख्या 360 है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सबों से जानकारी प्राप्त होती है, प्लेट विवर्तन की से भी प्राप्त होती है और प्राकृतिक साधन से भी प्राप्त होती है, ज्वालामुखी क्रिया से भी प्राप्त होती है और भूकंप विज्ञान से भी। ये जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो है किस प्रकार से और कैसे मिलती है। तो सबसे जो ऐसे अप्राकृतिक साधन से पहले प्राप्त किया था वैज्ञानिकों ने, उसके बाद जो है प्लेट विवर्त की, फिर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी जो है पहचान किया था, फिर जो है भूकंप। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली थी वह भूकंप विज्ञान से मिली थी। भूकंप विज्ञान के द्वारा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चला था कि जो है कितने स्थान पर अर्थात कितनी दूरी पर जो है ठोस है और कितनी दूरी के बाद जो है वह द्रवीभूत अवस्था में स्थित है। तो यह जो है संरचना जो है यह भूकंप विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हुई थी।
नेक्स्ट है, बुध शुक्र का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध को सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगभग जो है वो कितना 88 दिन का समय लगता है। तो कितने दिन का? 88 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सर्वाधिक जो निकट का ग्रह है वह कौन है? वह बुध है। सर्वाधिक दूर का ग्रह कौन है? वह वरुण है। बृहस्पति ग्रह जो है द्रव्यमान या आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला जो है ग्रह है, शुक्र ग्रह, और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जुड़वां बहन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी जितने भी क्वेश्चन थे आज के 50 क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, और आप जो है दूसरे को भी शेयर करें ताकि ये वीडियो देखकर जो है वो भी इससे लाभान्वित हो और उसे भी जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी साबित हो। धन्यवाद।